वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने टॉपिक पढ़ा था मैक्सिमम पावर आउटपुट, तो उसी से मुतालिक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट्स हैज इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, हमारे पास एक बैटरी है जिसके अंदर जो EMF है वो है 12 वोल्ट, यानी कि उसके अंदर इतनी 12 वोल्ट्स की ताकत है कि वो किसी भी करंट डिवाइस में से जो चार्जेस है उसको मूव कर सके। ठीक है, हैज इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 ओम, यानी कि उस बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस मौजूद है उसकी वैल्यू क्या है, 2 ओम। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द पावर डिलीवर टू अ लोड ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट आ गया हमारे क्वेश्चन का जो फाइंड करना है वो ये करना है कि ये जो बैटरी है वो उसके साथ कोई भी अगर हम इलेक्ट्रिक डिवाइस लगाएं, ठीक है, तो वो बैटरी कितनी पावर उसे दे सकती है कि अगर वो जो हमने उसके साथ डिवाइस लगाई है उसकी रेजिस्टेंस हो 1 ओम। सेकेंड ऑप्शन हमें दिया गया है कि सेकेंड ऑप्शन अगर उसकी जो रेजिस्टेंस है उस डिवाइस की वो हो 10 ओम। एंड सी पार्ट क्या दिया गया है वो ये है कि ऑल्सो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड ऑफ विच मैक्सिमम पावर इज डिलीवर टू आर। यानी कि जो थर्ड पार्ट हमें ये कहा गया है कि जो हमने इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस बैटरी के साथ ज्वाइन की है उसकी वो रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है कि जिसके लिए मैक्सिमम पावर उसे दी जा सके बैटरी की तरफ से। और वो जो मैक्सिमम पावर है, आगे क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर्ड बाय द सोर्स। ठीक, सोर्स यानी कि जो बैटरी है। ठीक है, कि एक तो हमने वो रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है जिसके लिए मैक्सिमम पावर दे सके बैटरी, और जो मैक्सिमम पावर है वो भी फाइंड करनी है जो कि ये बैटरी दे सकती है। तो आए हम इस तरह करते हैं कि अपना जो डेटा है वो देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। सही, तो हमें सबसे पहले क्या दिया गया है कि जो EMF है इस बैटरी का वो है 12 वोल्ट्स। ठीक है, साथ ही बता दिया गया है कि इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम। ठीक है, और उसके बाद ये कहा गया है कि सबसे पहला पार्ट क्या है, सबसे पहला पार्ट ये है कि जो एक्सटर्नल हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ अटैच कर रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम। ठीक है, उसे हम इस तरह करते हैं, उसे हम कह देते हैं R1। ठीक है, वो है 1 ओम। और दूसरा ऑप्शन हमें ये दिया गया है कि दूसरा केस अगर ये हो कि उसकी रेजिस्टेंस R2 हमारे पास हो 10 ओम। ठीक है, और सी जो हमें पार्ट दिया गया है उसमें हमने फाइंड करना है कि हमारे पास वो मैक्सिमम, मतलब कि वो मैक्सिमम पावर अगर उस एक्सटर्नल करंट डिवाइस को प्रोवाइड करनी हो तो उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, उसे हम कह देते हैं R3। ठीक है, और जो मैक्सिमम पावर है यानी कि पी मैक्स वो कितनी होगी। ठीक है, तो चलें अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले पार्ट में हमने फाइंड करना है पावर, और उसके लिए हमें जो रेजिस्टेंस बताई गई है, ठीक है, वो कितनी है, वो है 1 ओम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास पावर होती है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, सॉरी ये इक्वल टू का साइन हटाते हैं, वो हमारे पास होता है पी इक्वल्स टू ई स्क्वेयर। ठीक है, ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर स्क्वेयर इंटू आर। ठीक है, और यहाँ पे आर हमारे पास क्या है, R1, यानी कि हमने डिनोट किया था प्रॉब्लम नंबर ए की जो रेजिस्टेंस है उसे R1 से डिनोट किया गया था। तो इस तरह करते हैं, अब इसके अंदर वैल्यू हम पुट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू है, ई की जैसे हमें वैल्यू पता है कि वो है 12 वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12 वोल्ट्स का स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 ओम, 1 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, इसका स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओम। ठीक है, इसे जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 16। ठीक, तो इस तरह करते हैं कि जो यूनिट्स हैं उन्हें बैलेंस आउट कर लेते हैं ताकि अगर कोई मिस्टेक हुई हो हमसे तो वो भी हमें पता चल जाए। ठीक है, अब ऊपर है हमारे पास वी स्क्वेयर। ठीक है, वी स्क्वेयर इंटू ओम डिवाइडेड बाय, देखें ओम का स्क्वायर हो जाएगा नीचे, ओम स्क्वायर ऊपर का 1 ओम नीचे के स्क्वायर से कट जाएगा तो नीचे रह जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि पी का फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है कि पी इक्वल्स टू वी स्क्वेयर बाय आर, यानी कि 1 वॉट पावर, 1 वॉट पावर इक्वल होती है वोल्ट के स्क्वायर के। ठीक है, डिवाइडेड 1 वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओम। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पे वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम है ये कन्वर्ट हो जाएगा वॉट में। दैट मीन्स कि हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की कैलकुलेशंस करते हुए। ठीक है, ये हो जाएगा 16 वॉट। ठीक है, ये हो गया P1, यानी कि जो पहला केस है हमारे पास उसके लिए हमारे पास जो पावर है वो इतनी होनी चाहिए।
यानी कि जब हमारे पास एक्सटर्नल जो करंट डिवाइस है उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम होगी, तो इतनी जो पावर है वो डिलीवर कर पाएगी बैटरी उस करंट डिवाइस को, ठीक है। अब भी देखते हैं, हमारे पास केस था कि जब हम लोग के पास रेजिस्टेंस कितनी, उन्होंने कही थी कि अगर एक्सटर्नल करंट डिवाइस की जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम, तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे दोबारा, ठीक है। जो हम लोग के पास पावर का होता है, जो कि हमारे पास होता है ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर का स्क्वेयर इनटू आर, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा P2, ठीक है। E की वैल्यू हमारे पास है 12 वोल्ट्स, ठीक है। 12 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 10 ओम प्लस 2 ओम, ठीक है, इनटू इनटू हमारे पास हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। तो ये इसको जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू जो आई वो आई 10, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स जो हैं वो बैलेंस आउट कर लेते हैं, जो हमारे पास है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम का स्क्वायर इंटू ओम, ऊपर का ओम नीचे के ओम स्क्वायर से कट गया तो ओम रह गया। इसी तरह से जैसे हमने देखा था कि 1 वॉट इक्वल होता है इक्वल्स टू 1 वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ओम, दैट मीन्स कि मेरे पास जो पावर आ गई वो आ गई मेरे पास 10 वॉट, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने कोई मिस्टेक नहीं की और ये हमारे पास पावर आ गई केस नंबर 2 के लिए। अब इस तरह करते हैं कि थर्ड केस देखते हैं। अब देखें, थर्ड केस में हमें ये कहा गया था कि हमने वो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जिसपे हम बैटरी के थ्रू मैक्सिमम पावर डिलीवर कर सकें करंट डिवाइस को, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है कि मैक्सिमम पावर के लिए, कि जब मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी हो तो जो उस करंट डिवाइस की रेजिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए इस बैटरी के रेजिस्टेंस के, यानी कि कैपिटल आर इक्वल हो जाएगा स्मॉल आर के, जो कि इक्वल है 2 ओम, ठीक है। तो जो एक और पार्ट सी में हमें कहा गया था वो ये भी कहा गया था कि हमने वो मैक्सिमम पावर भी फाइंड करनी है, यानी कि पी मैक्स हम फाइंड करेंगे वो उसी फॉर्मूले से जो कि है हमारे पास ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर स्क्वेयर, ठीक है, आर प्लस आर स्क्वेयर इन टू आर। तो वैल्यूज डालेंगे तो ई की जो अब हमारे पास वैल्यू है वो तो सेम है जो कि है 12 वोल्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, हम अब हमारे पास क्या है वो है 2 ओम प्लस 2 ओम, ठीक है, इसका स्क्वायर इन टू 2 ओम। कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 18 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम स्क्वायर इन टू ओम, ओम ओम से कट जाएगा तो मेरे पास रह जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम। तो अब बैलेंस आउट जब करें तो हम देखते हैं कि 1 वॉट चूंकि इक्वल होता है 1 वोल्ट स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 ओम के। तो इसी तरह से देखें यहाँ पे भी जो वी स्क्वायर है डिवाइडेड बाय ओम जो है वोल्ट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओम वो कन्वर्ट हो रहा है वॉट में। दैट मीन्स कि हमने इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं की कैलकुलेशंस में। तो मेरे पास आ रही है जो मैक्सिमम पावर है वो इक्वल आ रही है 18 वॉट के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने फर्स्ट टू पार्ट्स भी कैलकुलेट कर लिए और ये पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया जिसके मुताबिक हमने मैक्सिमम पावर कैलकुलेट की जो कि बैटरी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड कर सकती है, यानी कि एक्सटर्नल डिवाइस जब उसके साथ कनेक्ट करेंगे तो उस वक्त उसे मैक्सिमम पावर जो वो प्रोवाइड कर सकती है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।